जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे MR बजरंगी टेक्नीशियन चैनल को। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों, वह ये लुब्बी पंप जो आप देख रहे हैं इस मोटर के ऊपर होने वाला है या इस टुल्लू पंप के ऊपर होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मोटर की फुल वाइंडिंग डाटा बतलाएँगे, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा और सटीक डाटा बतलाएँगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और साथ में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसकी इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि यह लुब्बी पंप कितना HP का है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह जो है सो 1 HP का मोटर है। इस पर सारा डिटेल आपको लिखा हुआ है, हम इसका सारा नेम प्लेट आपको दिखला दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें 10 MFD का कंडेंसर यूज होता है, 0.75 kW है, 25×25 इसका साइज है, आप सारा कुछ देख सकते हैं। मैंने वीडियो को रोक दिया हूँ और आप देखिए। और चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी स्टंपिंग की बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, इसकी कोर साइज की बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस स्टंपिंग का जो लंबाई है दोस्तों, ये 2 इंच से थोड़ा कम है, यानी कि इस थ्रेड की जो लंबाई होती है, तो इसको अगर आप स्केल से मापिएगा तो ये 2 इंच से थोड़ा कम ही होता है, 2 इंच से लगभग 1.25 इंच मान के चलिए इसको। और दोस्तों, इसका बाहरी किनारा का बात करें तो ये 4 इंच कुछ पॉइंट आता है दोस्तों, तो 4.5 मान के चलिए, तो 4 इंची इसको भी मान लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, इसमें जो कुल सलाड है दोस्तों, ये 24 सलाड का मोटर है दोस्तों, और यह टुल्लू पंप है 1 HP का। ये दोस्तों लुब्बी कंपनी का है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग लेंगे और इसी वीडियो में देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, जब आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं तो आप लोग करते क्या है दोस्तों, कि वीडियो को तो पूरी देखते नहीं हैं और साथ में दोस्तों आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखते हैं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, साथ में आप लाइक नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों के सामने गलत बताता हूं, आज तक मैं जो भी डाटा बतलाया हूं परफेक्ट डाटा बतलाता हूं, ऐसा डाटा आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों। मैं कंपनी से हट के काम करता हूं और सटीक काम करता हूं, मैं जो वर्क करता हूँ उस पर ही दोस्तों निर्भर रहता हूँ, उसी के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मैं गाँव देहात में भी मोटर को चला करके देखा हूँ और उसका रीज़न होने के बाद ही दोस्तों मैं उस डाटा को लागू करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरी देखिए और साथ में लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल जवाब हो दोस्तों, तो मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के हमसे पूछिए या कॉमेंट में पूछिए। और लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत सारा डाटा आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि यह कंपनी का ही वाइंडिंग है और यह जल चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से यह जल चुका है और अंदर से भी जल चुका है, क्योंकि इसमें पानी गया था दोस्तों। और चलिए दोस्तों, अब इसका कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कंपनी इसमें 3 रनिंग का बनाया हुआ है और 3 स्टार्टिंग का बनाया हुआ है, मतलब 3 लक्ष्य इसका रनिंग का है और 3 लक्ष्य इसका स्टार्टिंग का है। तो इस ढंग से कंपनी इसको वाइंडिंग किया है, लेकिन दोस्तों हम इसमें 4 लच्छी रनिंग का बनाएंगे और 2 लच्छी स्टार्टिंग का बनाएंगे और उससे मोटर को चलाएंगे, क्योंकि हम कंपनी के डाटा पे बिलीव नहीं करते हैं। मैं खुद जो डाटा अपना होता है उस पर बिलीव करता हूँ। कंपनी अगर 3-3 का सेट बनाया है तो हम उसमें 4-4 का सेट डालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अब इस मोटर को हम खाली करेंगे और खाली करने के बाद इसमें पैकिंग लगा करके फिर जा करके इसका हम डाटा भी आपके लोगों के सामने शेयर करूंगा। और दोस्तों, मोटर को खाली करने के लिए मैं जो जुगाड़ इस्तेमाल करता हूं वह भी मैं बता दे रहा हूं आपको।
तो देखिए दोस्तों, मोटर को खाली करने के लिए हमने इसे बटारी से इसके कोर को हटा करके यहाँ से चारों तरफ घुमा करके कट कर देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से। और हैमर से चोट मार करके सारा कॉइल को हम यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि ये कॉपर है दोस्तों, कट जाता है। और दोस्तों इस तरफ से दोस्तों पीछे से हम इसको यहाँ से खींच लेते हैं और आसानी से निकल जाता है। यह ट्रिक आप सभी मोटर पर लागू कर लीजिए, बेहतरीन कटेगा। इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे छोड़ देना है, थ्रेड से हटा करके रखिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेट काट देता है। तो आप इस तरह से दोस्तों बटारी ले लीजिए या बटारी ले करके आप काम कीजिए, इसका शान बराबर बना करके रखिए और बेहतरीन रूप से मोटर को काटिए। चलिए हम पहले मोटर को काटते हैं, फिर पैकिंग लगाते हैं, फिर इसका डाटा बतलाएँगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक्यूरेट हमने तार काट चुके हैं, कहीं भी कोई थ्रेड में आपको कहीं भी परेशानी नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं एकदम सुरक्षित तार कटा है, और इधर से भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए इधर से भी आपको एकदम बिल्कुल सुरक्षित, कहीं भी कोई कटिन फटिन नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सुरक्षित। ए टू जेड वायर काट के निकाल चुके हैं। अब दोस्तों इसमें पैकिंग लगाते हैं, और पीवीसी जो हम लगाएंगे वह दोस्तों इसमें हमने 7 नंबर का लगाएंगे, और पीवीसी लगाने के बाद फिर इसको वाइंडिंग का तार हम यूज करेंगे, वो भी आपको बतलाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। इस ढंग से आप भी काटिए, एकदम कॉइल बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा, देख लीजिए, कोई परेशानी कहीं नहीं होने वाला है, ये एकदम से शुद्ध कटेगा। देखिए कोई भी पत्ती और थ्रेड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, स्लॉट को। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए, वही लुबी पंप है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरा दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल पे आपको हर वक्त जन्मिन जानकारी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई फेक जानकारी मिलेगा। तो चलिए अब हम इसमें पैकिंग वोकिंग डालते हैं। आप देख सकते हैं कि स्लॉट एकदम बिल्कुल फ्रेश है, देख लीजिए। तो वीडियो में बने रहिए। अब हम इसमें 7 नंबर का पीवीसी पेपर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास पहले से ही कटिंग किया हुआ ऑलरेडी पेपर है, अब इसमें जिस साइज का लगेगा उस साइज का हम डाल देंगे। तो चलिए, जैसे कि देखिए इसमें निम्न प्रकार का साइज का है, तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि इस थ्रेड में, इस थ्रेड की लंबाई के अनुसार इसमें से जो भी पैकिंग पेपर लगेगा उसको हम इसमें डालेंगे। हम इस यह इसलिए रखते हैं क्योंकि समय की बचत हो और काम करने में सुविधा हो। इधर भी इस पन्नी में भी है, बहुत सारा रहता है, नीचे भी रखा हुआ है, तो हम कटिंग पेपर अवेलेबल करके रखते हैं बने बनाया हुआ। अब जिस साइज का जिसमें लगेगा हम उसमें एडजस्ट करके अपना काम निपटाते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह से कटिंग पेपर कटा हुआ मंगा के रखिए मोटर का भी, तो आपको काम करने में बेहद ही सुविधा होगा, और जो काम आपका 2 घंटे में होगा वह काम आपका 1/2 घंटे में निपट जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। अब इसमें हम सभी सलाड में इनका लॉक डालेंगे, पीवीसी पेपर डालेंगे, और पीवीसी पेपर डालने के बाद फिर वायर सेट करेंगे, उसके लिए हम इस अड्डे पे मशीन सेट करेंगे। ये दोस्तों मैं इस मोटर का आपको वाइंडिंग डाटा भी बतला दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि हम इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नीचे जो आप तार देख रहे हैं ये कितने नंबर का है, मतलब रनिंग में कितना नंबर है और स्टार्टिंग में कितना नंबर है, आप देख सकते हैं कि 4 खाने बीच में छोड़ा हुआ है और 2 ही मैं अभी स्टार्टिंग का डाला हूं। जैसे कि आपको पता है एक दो तीन चार सेट हमने रनिंग का दिए हुए हैं, 4 लच्छी और 2 लच्छी ही हमने स्टार्टिंग में डाले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका कम्प्लीट रूप से हम लोग वाइंडिंग डाटा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने 25 नंबर से रनिंग को भरे हैं, और दोस्तों 27 नंबर से स्टार्टिंग को भरे हैं, और दोस्तों 25 नंबर से प्रत्येक लच्छी में दोस्तों 90-90 टर्ने हैं, और 27 नंबर से दोस्तों प्रत्येक लच्छी में 140-140 टर्ने हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप इसका डाटा जानते हैं, जान गए होंगे कि 25 नंबर चाहे अल्मीनियम हो या कॉपर, आपको 90 टर्ने देना है प्रत्येक लच्छी में, और स्टार्टिंग में प्रत्येक लच्छी में आपको 140 टर्ने देना है। 27 नंबर वायर गेज रहेगा चाहे अल्मीनियम हो या कॉपर। और दोस्तों यह मोटर सबसे सुपर फास्ट और बेस्ट चलेगा, ये वही लुबी
पंप है दोस्तों, देख लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसमें आपको सटीक डाटा मिल गया होगा। और दोस्तों मैं कई मोटर को चला करके भी आपको दिखलाया हूँ, तो मैं जो भी डाटा डालता हूँ दोस्तों सटीक डाटा डालता हूँ, 100% सटीक डाटा आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, और दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों मैं एक से एक मोटर की वाइंडिंग डाटा आपको देता रहूँगा, यही मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप देखते रहिए हमारे बजरंगी टेक्नीशियन चैनल को। जय हिंद।